कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिएशन ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। फिंगरप्रिंट्स, नाखून, बाल, स्किन कुछ भी नहीं, बहुत ही सफाई से कत्ल किया गया है। वो हर 3 दिन में किसी का खून कर रहा है और हम यहाँ बॉडीज कलेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से साउथ की कुछ सबसे जबरदस्त सस्पेंस, क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवीज लेकर आ चुका हूं। इन सभी मूवीज की स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। साथ ही साथ अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि कमेंट की गई मूवी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है आज की मूवी। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नंबर 5 पर है 2022 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी वट्टम। फिल्म में हमें अतुल्य, रवि, सीबी राज और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। बात करें अगर फिल्म की स्टोरी लाइन की तो कहानी है मनो नाम के एक लड़के जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है और वो उसे बुला नहीं पा रहा। अब ऐसे में वो बहुत ही अमीर बिजनेसमैन को किडनैप कर उससे पैसे कमाने का प्लान बनाता है। बस दोस्तों, यही से कहानी रफ्तार पकड़ती है और क्लाइमेक्स आते आते इस मूवी में कई सारे टर्न और ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मूवी में बहुत ही ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल भरा हुआ है, लेकिन हाँ, डिसेंट मूवी है जो कि आपको बोर तो नहीं करेगी। IMDb से इस मूवी को 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। आगे की मूवीज जानने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है पॉकेट नॉवेल। इस ऐप में आपको कई सारी इंटरेस्टिंग और मजेदार नॉवेल्स और स्टोरी देखने को मिलेंगी जिसे कि आप बिल्कुल फ्री में ही पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आप अपनी खुद की कहानी हिंदी में लिखकर 15 लाख तक कमा सकते हैं। चलो जानते हैं आप यहाँ किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। मिनिमम 3000 रुपए का न्यू नॉवेल बोनस मिलेगा, रोज चैप्टर पब्लिश करने के लिए डेली इंसेंटिव और नॉवेल के वर्ड काउंट बेसिस पर कंपनसेशन बोनस और लाइफ टाइम 25% रेवेन्यू शेयर। और इतना ही नहीं बल्कि 2.5 लाख शब्द पूरे करने पर आपकी नॉवेल पॉकेट FM पर ऑडियो सीरीज में भी कन्वर्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाती है, जहां आपको मिलेगा 40% तक का रेवेन्यू शेयर। आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए सालाना 15 लाख तक कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ राइटर बेनिफिट प्रोग्राम यानी कि WBP से। तो पॉकेट नॉवेल ऐप आप जैसे राइटर्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आ चुका है जिसका फायदा आपको जरूर से लेना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज या नॉवेल पढ़ने या लिखने का शौक रखते हैं तो इस ऐप को एक बार जरूर से विजिट कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 4 पर है 2023 की ही एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी चित्ता। फिल्म के लीड रोल में हमें सिद्धार्थ, निमिषा और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी मिडिल क्लास फैमिली के ईश्वर नाम के लड़के की है जो अपनी भाभी और भतीजी के साथ एक छोटे से शहर में रह रहा है। उसकी लाइफ में अब तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन ईश्वर की लाइफ तब पूरी तरह से बदल जाती है जब उसके ऊपर अपनी भतीजी की उम्र की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगता है। और इन्हीं हालातों में उसकी खुद की भतीजी सुंदरी भी गायब हो जाती है। अब ईश्वर पर लगा ये इल्जाम सच्चा है या झूठा है, और दूसरी तरफ जो उसकी भतीजी गायब हुई है उसके पीछे क्या रहस्य है, इसी सब मिस्ट्री को ये मूवी आगे रिवील करती है। दोस्तों, इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में काफी ड्रामा दिखाया गया है, लेकिन सेकंड हाफ में ये मूवी अपने इमोशनल ड्रामे से थ्रिलर में बदल जाती है। पर्सनली कहूं तो ये मूवी तो मुझे काफी पसंद आई थी, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं। IMDb से इस मूवी ने 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। मतलब अपनी मर्जी से ही जा रही होगी, जरूर वो कोई पहचान वाला था। तो सुंदरी को अकेले छोड़कर क्यों गया रे? नंबर 3 पर है 2023 की ही एक एक्शन थ्रिलर मूवी मावीरन। फिल्म में हमें शिवा कार्तिकेयन, अदिति शंकर और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी दिखाई गई है सत्या नाम के एक लड़के की जो कि पेशे से एक कॉमेडी आर्टिस्ट है और वो सुपर हीरोज की कहानी लिखता है। अब एक दिन सत्या को आसमान से आवाज सुनाई देती है। बस दोस्तों, यहीं से कहानी में आपको बहुत सारे टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं जो कि आप फिल्म पूरी करने पर जानोगे। दोस्तों, ये कोई सुपर हीरो मूवी नहीं है, लेकिन आखिर सत्या को ऐसी आवाजें क्यों सुनाई देती है, उसके बाद सत्या आगे क्या करता है, ये सब कुछ देखना काफी दिलचस्प होगा। मूवी में आपको हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ काफी अच्छा एक्शन थ्रिलर दिखाया गया। तो अगर आपने इस मूवी को मिस कर दिया है तो इस मूवी को आप एक ट्राई जरूर से दे सकते हैं। और फिल्म को IMDb से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 2 पर है 2023 की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी वाल्वी। फिल्म की कास्ट में हमें स्वप्निल जोशी, शिवानी और भी कई सारे टैलेंटेड एक्टर्स देखने को मिलते हैं। कहानी अंकित और उसकी गर्लफ्रेंड देविका की दिखाई गई है। अंकित शादीशुदा होते हुए भी देविका के साथ अफेयर चला रहा है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाता है और लोगों को ये दिखाना चाहता है कि ये एक सुसाइड है। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और अंकित की बीवी की लाश गायब हो जाती है। अब इसके बाद आगे कहानी में जो जो होता है वो देखकर आपको हंसी भी आएगी
जाएगी और टेंशन भी होगा। दोस्तों ये मूवी कॉमेडी और थ्रिलर का एक कॉकटेल है। कहानी इतनी इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई है कि देखने वाला पूरी फिल्म देखने पर मजबूर हो जाए। शॉर्ट में कहूँ तो मूवी काफी जबरदस्त है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए। लोगों द्वारा भी इस मूवी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तभी जाकर इस मूवी ने 8.3/10 की रेटिंग हासिल की है। प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट चली पाई यार, इधर नको कराए। नंबर 1 पर आते हैं 2023 की एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी कॉलिंग सहस्रा। फिल्म में हमें सुधीर, मनाली और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी अजय नाम के एक साइबर एक्सपर्ट की है। अब शहर में एक गैंग महिलाओं को धमकी देती है और उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। अब अजय महिलाओं को धमकी दे रहे इस गैंग को पकड़ने की ठान लेता है। अब फिल्म में आपको आगे यही देखना है कि आखिर तक अजय ऐसा कैसे करता है। दोस्तों अजय इस गैंग को पकड़ने में कौन कौन सी कोशिशें करता है, इसी सब में आपको कई सारे थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल मोमेंट दिखाए गए हैं। मूवी वाकई में लाजवाब है जो कि आपको जरूर से देखनी चाहिए। IMDb की तरफ से इस मूवी को 5.5/10 की रेटिंग मिली हुई है।